सो हेलो एवरीवन नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप यदि राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन अदर जो भी जितने भी कैडर थे उन भर्ती की यदि आप वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के लास्ट तक बने रहें बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला आया है आपकी रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द ही जारी होंगे इसको लेकर बड़ी अपडेट है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें अगर दोस्तों आपने हमारा नर्सिंग एजुकेशन का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें राजस्थान हो चाहे पूरे भारत की हो हर भर्ती की हम लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक शेयर करते हैं इसके अलावा हर भर्ती की पीडीएफ और इससे रिलेटेड जो स्वास्थ्य विभाग की जो भी इंफॉर्मेशन होती है चाहे राजस्थान की हो चाहे ऑल ओवर इंडिया की हो आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल का नाम है नर्सिंग एजुकेशन उसको ज्वाइन करें हमने लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो क्लिक करो और ज्वाइन करो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना वहाँ पर आपको मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया के सात हज़ार के लोग आसपास जुड़ चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है बड़ी अपडेट सिर्फ की राजस्थान से भर्तियों के बारे में तो प्यारे दोस्तों आपको पता है गजेंद्र सिंह खेमसर ये कौन है राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है इन्होंने क्या अपडेट दी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा का हार्दिक आभारी हूँ कि आपने बीस हज़ार से अधिक पदों पर शिफू के माध्यम से नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती 2023 को जारी रखने की सहमति दी है तो ये अब कह सकते हैं ये भर्ती बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगी जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर ये भर्ती कैंसिल होगी दोबारा नए सिरे से होगी तो ऐसा कुछ नहीं है यही भर्ती क्लियर होगी सभी जो निस्तारण है होना है जो कोर्ट का मामला है उनका भी निस्तारण होगा सभी निस्तारण होने के बाद में इसका फाइनल रिजल्ट वो जारी होगा मैंने अधिकारियों को मा महा की राय से अनुसार प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए हैं युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है ये हमारी भाजपा सरकार ने करके बताया है जय हिंद जय भारत तो ये जो है अपडेट दोस्तों राजस्थान की जो चिकित्सा एंड स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर है इन्होंने अपडेट दी है मतलब एक परफेक्ट अपडेट है ऑफिशियली न्यूज मान सकते हैं तो आपका जो रिजल्ट है मेरे प्यारे दोस्तों वो बहुत जल्द निकाला जाएगा सभी कैडर के, के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस भर्ती को जल्दी कराने के लिए आप देख सकते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो सिफू है अति आवश्यक बाईस फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी इनको क्या विषय सब्जेक्ट एक बार आप देख लें कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में तो मतलब पुनर्सत्यापन के संबंध में जो बाकी रह गए थे उनको बहुत जल्दी अत्यावश्यक दो चार दिनों के अंदर अंदर काम पूर्ण करने को बुलाया और वहाँ पर जल्दी जयपुर बुलाया है कि आप इनका काम कम्प्लीट करो हम इनके रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट है वो बहुत जल्द दोस्तों आने वाला है खुशखबरी इससे बड़ी क्या हो सकती है इसके अलावा कोई आपको और कोई अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जरूर चैनल ज्वाइन करें वहाँ पर एक एक पल की अपडेट आपको मिल जाएगी जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल से मैं आपको पूरी अपडेट दे रखा अभी वीडियो अभी बन रहा है और टेलीग्राम चैनल पर इससे पहले ही आपकी पी आ चुकी है आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो टेलीग्राम चैनल पर हम समय समय डालते रहते हैं चाहे कोई पेपर की कटिंग हो चाहे पेपर हो ओल्ड पेपर हो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच